नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, सांपुर राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित कर रही हैं। पर भी पार पा लिया जाता है जो असंभव होता है, और देश के अंदर 192 करोड़ लोगों को 192 करोड़ टीके अभी तक लग चुके हैं, और देश का कोई काम रुका नहीं। देश की जो हमारी ग्रोथ है वो भी नहीं रुकी, लगातार हम आगे बढ़ते गए। और इतना ही नहीं, जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन थी, वो स्वदेशी वैक्सीन कुछ ही महीनों में बना ली गई। जहां पोलियो के लिए हम दशकों तक इंतजार करते रहे, अगर लीडरशिप अच्छी हो तो सारे काम संभव हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर जो हम कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघुचित साम, हमारे संस्कार सिखाते हैं, हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारे हमको जो विरासत में मिला है, हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया है, केवल अपनी चिंता नहीं करनी है, अपने साथ साथ समग्र की चिंता करनी है। तो 20 करोड़ वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को देने का काम भी भारत की सरकार ने किया है। आज के अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, कुलपति जी का धन्यवाद करते हुए कि आप विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपका एक संस्थान लगातार काम कर रहा है, आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं चाहता हूं कि हमारा संस्थान और ज़्यादा गति से आगे हो, उसमें कहीं हमारी सरकार का कहीं पर कोई योगदान हो, सरकार का कोई सहयोग हो, तो हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने आप यहाँ पर शोध कर रहे हैं, यहाँ पर अनुसंधान कर रहे हैं, शोध और अनुसंधानों के क्षेत्र में हम लोगों ने तय किया है कि हम प्रदेश को इकोलॉजी और इकोनॉमी, क्योंकि हम हिमालय के राज्य हैं, हम गंगा यमुना के प्रदेश हैं, हम देवभूमि हैं, जहाँ से सारी हवा जाती है, हम वैसे प्रदेश के निवासी हैं। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, योग, आयुष की धरती अगर कोई है तो उत्तराखंड है। तो यहाँ पर इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का संतुलन होना चाहिए। उस दिशा में मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तो बहुत काम कर रहे हैं, कुछ काम हमारे सीमांत क्षेत्रों में जाकर भी हमारा संस्थान करे, और कुछ हमारे ब्लॉक हैं, कुछ जिले हैं, कुछ सीमांत के गांव हैं, उन गांवों को गोद में लेकर हमारा संस्थान वहाँ पर काम करेगा, तो निश्चित रूप से संस्थान की जो प्रतिष्ठा है वह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको वास्तव में अनुसंधान की आवश्यकता है, जिनको शोध की आवश्यकता है, जिनको एक आविष्कार की और आपकी मदद की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देश का काम रुका नहीं है, ग्रोथ नहीं रुकी है, लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी चिंता करनी बेहद जरूरी है।